स्टॉक मार्केट में उथल पुथल का दौर जारी है। बुधवार को सेंसेक्स ने गिरावट के साथ दिन की शुरुआत की है। देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामले कैपिटल मार्केट्स पर दबाव बना रहे हैं, साथ ही पूरी दुनिया में जाम होता आर्थिक चक्का भी निवेशकों को डरा रहा है। आज सेंसेक्स 1035 अंक गिर कर 28,442.50 के आंकड़े पर व्यापार कर रहा था। बता दें, मंगलवार को सेंसेक्स 29,468.49 पॉइंट्स पर था, जबकि निफ्टी 8,597 यानी 3,016.65 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुआ था। इस उछाल का सबसे बड़ा कारण था चीन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मजबूती से फिर से गति पकड़ना। बुधवार को जिन शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई वे थे कोटक महिंद्रा 9.90%, रिलायंस 5.48% और इंडसइंड बैंक 4.60%, जबकि सबसे ज्यादा तेजी जिन शेयर्स में देखी गई वे थे हीरो मोटरकॉर्प और बजाज ऑटो। लेकिन पिछले तीन दिनों में जिस प्रकार देश में कोरोना वायरस के 600 मामले आए हैं, इससे निवेशकों में चिंता बढ़ी है और जाहिर है इसका साफ असर बाजार पर नजर आ रहा है। कई रेटिंग्स कंपनीज ने भारत की जीडीपी के अनुमान को भी घटा दिया है। साथ ही लोगों में भी आशंका है कि जिस तरह भारत में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है, ऐसा ना हो कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की नौबत आ जाए। सरकार इसका खंडन कर चुकी है, लेकिन पिछले दो दिन में नए संक्रमण बढ़ने से चिंता बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।